जी सुरो सावान ब्लॉक में आप सबका स्वागत है और सब ठीक ठाक हो गए। और भाई चैनल ने पहला एक चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, आप सब देख कर चले जाओ, चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करते आप सबका कुछ नहीं लगता है, एक थोड़ी सी सपोर्ट कर दोगे तो हमारा चैनल में भाई बढ़ोतरी हो जा। तो आज मैं दिखाऊँ मेरी ननद का मैं किसा सूट दूंगी वो देखो। तो यो सूट है ये देखो, ये गर्मी का सूट है और देखो ये इस पर पट्टी लगी हुई है एक गले पे, ये धागे की मतलब धागे की पट्टी है, उसी चुभन वाली पट्टी नहीं है, जो धागे तो करो सी तो बनी उड़ो है। और इस पे ये तीन बटन लगे हुए हैं, मतलब सिंपल को चुभन वाला सितारे का भी काम हुआ हुआ है सीक्वेंस का, हल्के हल्के सीक्वेंस है जो चुभते भी नहीं, कति गर्मी का बढ़िया सूट है ये देखो, इस तरह के सीक्वेंस का ये लगे हुए हैं और पूरा लाल जार कपड़ा है देखो, इस तरह का ये सूट है, सूट का सूट है ये तो सूट हो गया। और नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब आगे पाछा एक सा है, ये पूरा जम्फर एक सा है, इस पे बस सीक्वेंस लगे हुए हैं और ये छोटे छोटे लाइन में लाइन सी बने हुए हैं और इस पे ये फूल से बने हुए हैं, ये इसकी बॉटम है, ये सलवार रहने वाली मैच में है ये, पर वैसे मतलब सूट के कलर की है सलवार है इसकी। और चुन्नी देखो, चुन्नी कति जबरदस्त है, चुन्नी नहीं कह सकते सूती चुंदड़ी है ये गर्मी के लिए कॉटन की, और इस पर देखो धागे का काम हुआ हुआ है, ये सारे धागे तो बने हुए हैं ये फूल से, ये को चुभने वाले नहीं है भाई, सॉफ्ट गर्मी में तो इस तरह का चुन्नी तो थोड़ा गामा में कामयाब भी नहीं है, ये डेली रूटीन में बेसक ओढ़ लो कोई दिक्कत नहीं आवा, चुन्नी तो ओढ़ी भी नहीं था और बार भीतर भी उड़ कर जा सका गर्मी में। तो यो सूट था और जो पैंट बुशर्ट हुआ नॉर्मल होया पर ये देने है, सासू उसकी सहनी मर रही है तो सासू का सूट मैं दूंगी, तो एक सूट और एक पैंट बुशर्ट, तो वो सूट की सा लग गया कॉमेंट करके बताइयो। तो यो सूट है, गड्डी सफाई चल रही है, इसके पापा ने कर दिया जाने की तैयारी की चल रहा है, बताऊंगी अगर वीडियो में बने रही हो। चल कर ले एमलेट तो ले ले, तो हर बार पता चलान चुलून कटते होंगे ना, एमलेट तो ऊँ भी पहनना चाहिए अपनी सुरक्षा तो जरूरी हो, वो हरकत कर दिया है और भगवान ना करे थोड़ी बहुत की तो चोट फेट लग जाए तो एमलेट वो तो फर्क रहे बचाओ, सरका सरका वो है मैन, तो एमलेट जरूर पहनना चाहिए, गामा हो गया है और मन ने भी ले चलता देख, मन ने लेकर जाता नहीं है, नो कह तू ताड़े काम कर लिए बरोटे काट लिए ये काट बड़े हैं और बैशा का नहर घेरती है, मेरा जब काम है यो घूमन जा है, तो इसका पापा जा आज मेरी ननद कह कोथली देन कि उन्हें करते करते कई दिन हो गया काम, तेन वो चले जाएगा तो इस मारे मका चूच लिया आवा खेत में तो इतने धूप हो लिया पर के करे तो जाना ही पड़ेगा। तुम्हारा सफर मंगलमय हो, तुम्हारा सफर मंगलमय हो। तो इसका पापा पहुंच गया है गुआने, मेरी ननद ब्याह रखी है सिमानक है, तो ये भाई उड़ा पहुंच का सामान लिया था और फिर चल पड़े, देखो कितना पानी भर रहा चुगर देख है, बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है, कति सारी फसल डूबी पड़ी है, जिद भी देखो पानी पानी हो रहा सारे का, बेचारे किसान तो इक्के ने मार दिए, कितने कितने थोड़ी बहुत दिक्कत ही है ज्वार और अपना के कर परमात्मा जो ऊपर करते हैं बारिश ज़्यादा करते हैं तो यूँ कहते हैं थोड़ी कर जब यूँ कहते हैं।
तो यही भी है शाम का टाइम, शाम ने मैं बना रही हूँ परांठे। अरे इन्हें कर लूंगी मैं बस इतना मिक्स, प्याज मिक्स करके बनावा, धनिया हो तो धनिया भी डाल दो हो रहा, पर फिलहाल धनिया नहीं मिल रहा है तो इसने मैं अच्छी तरह वो कर लूंगी। प्याज नहीं इसमें अच्छी तरह मिला दो, घी डाल दिया वो मैंने अच्छी तरह मिला लिया है, दिखा नहीं पाई, और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, कोई भी इसका नॉर्मल सा आटा गूंथ लूंगी मैं, जो रोटियां खोया करो वो मड़ा सा उसका टाइट, क्योंकि इसमें आलू भरना है तो फिर सही बंद हो गया मतलब परहेज आलू। तो मैं लग गई थी फिर परांठे बनाने, चुन चन बे पीछे कि सुबह नहीं बनाए, शाम ने नू बनाने पड़े कि सुबह मैं खेत में चली जाऊँ और परांठे बनाने में आप सब ने पता है भाई टाइम लगा, रोटी तो साइड फैड में भी बनाई जा, तो नवीन कई दिन का कर रहा था कभी आलू के परांठे बना ले, आलू के परांठे बना ले, तो मैं टाल रही थी कई दिन तक, फिर मका भाई चल कई दिन हो गए भाई बालक ने कहते ने, तो भाई मका आज बनाऊँगी, और तो फिर शाम ने टाइम लग गया है, सुबह तो जल्दी जल्दी मैं इतना काम हो जाए वैसे वैसे का, और परांठे परूंठे बनाने का मन टाइम नहीं लगता, खेत में तो मैं आकर बनाऊँ रोटी तो जल्दी जल्दी मैं बनाई जा, फिर इतनी जल्दी परांठे बनाने का टाइम नहीं लगता, क्योंकि कई बार 10-11-12 बजे हमने खेत में तो आऊँ, तो मैं मका सुबह ही बना दूँ परांठे, और थोड़ा सा ठंडा मौसम हो तो और भी अच्छे लगे परांठे, ऊँ तो दही की गल बहुत अच्छे लगे सुबह सुबह दही की गल, पर के करू सुबह टाइम नहीं लगता तो मका बनाने ही पड़ेंगे कई दिन हो लिए, इसने कहते ने अब मम्मी बना ले, यार मम्मी बना नहीं रही थी तो भाई बालक की भी कद मान नहीं पड़ा है, और ये मैं लाग रही थी बना, अरड़ थोड़ी गर्मी सी भी होगी थी गैस पर, क्यों बाहर चूल्हे पर तो बारिश बुरिश में मैं कम बनाऊँ खाना और मच्छर भी आ जाए हैं, तो मका भी तरह बना लूँ, तो परांठे मेरे बन गए थे, आप सब भी खा लो गर्मा गर्म परांठे और नूनी घी और साथ में दूध है, शाम ने मैं लस्सी नहीं लेती, तो बे आज इसका पापा जा रहा था आप सब ने देखा उड़े की तो वीडियो यो बना कर नहीं लाया, थोड़ी बहुत रास्ते काटी थी मेरे ननद का कोथड़ी देने जा रहा था, और एक तो भाई तीज भी आन हो रही है तो कोथड़ी पचाया, कई दिन की सोच रहे थे जाऊँ जाऊँ, फिर काम हो गया था जाया नहीं जा रहा था, और फिर शाम ने एक रोटी रोटी मैंने परांठे बनाए थे खा पी कर और सारा काम हो गया मेरा, और मैंने सोची वीडियो का अड़े एंड कर लें, और वीडियो किसी लगी देख कर बताइयो, और एक सब ने मैं पता भी होगा भाई जो फोन और खबर सुने हैं फिर भी किसी ने ना बेरा हो तो मैं बताऊँ, कल है 12 अगस्त, 12 अगस्त ने भाई कोई मतलब मैंने इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर फिर भी मतलब देसी भाषा में बताऊंगी मैं, मतलब जुकर तारे टूटा कर रात ने 2 बजे मतलब न्यूज में बताई थी, जुकर हम रोज समाचार सुनया करें, अगर भाई रात ने खगोली कोई मतलब भाई साद बहुत साला मोह है, अगर रात ने 2 बजे 3 बजे के बीच में होगा जुकर तारे नहीं टूट टूट कपड़िया करें, आसमान में देखियो अद्भुत नज़ारा होगा, वो तो मतलब किस तरह का होगा वो तो भाई देखेंगे जब पता चलेगा, तो हम सब भी कोशिश करेंगे रात ने देखने की, उठा गया तो रात ने 2-3 के बीच में मतलब न्यू कहे जिंदगी में शायद फिर दोबारा देखने ना मिले, क्योंकि ये इस तरह की जो घटना हो है वे 100-200 साल में एक बार हो है, तो कोशिश करियो भाई जो बाण भाई देखा है जिसका भी याद हो और जिसने पता है उसने तो पता है भाई रात ने 12 अगस्त ने रात ने 12 बजे मतलब जो ई भी आ 11 आज तो 11 अगस्त है ये वीडियो कल आएगी तो 12 अगस्त की रात ने तो मतलब 13 अगस्त की या दिन लकड़ेगा और 12 अगस्त की रात होगी उस टाइम 2-3 बजे के बीच में
आप सब भी देखियो और कोशिश करियो, और मन ने भी दिखी तो मैं भी वीडियो बनाऊंगी और देखूंगी। अरे वीडियो ने अड़े एंड करें और सब ने राम राम।